सरदार शहर में सब्जी मंडी में शुक्रवार को उस समय अचानक हंगामा हो गया जब नगरपालिका टीम द्वारा एक बड़े व्यापारी के कहने पर सब्जी के ठेले हटाने पहुंची। नगरपालिका टीम ने डिवाइडर से बाहर लगी सब्जी रेड़ियों को हटाने की कार्रवाई शुरू की तो रेड़ी चालकों ने विरोध शुरू कर दिया। मामला बढ़ता देखकर नगरपालिका ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी, जिस पर एसआई राम प्रताप मई जाप्ते के मौके पर पहुंचे और रेड़ी चालकों से बात की। इस दौरान नगरपालिका टीम ने सब्जी मंडी स्थित बिग बाजार के आगे लगे गाड़ियों को जब्त कर ले गई। सब्जी फरोश कासम खान ने बताया कि हम यहां पर पिछले 40 सालों से सब्जी बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। नगरपालिका द्वारा जो डिवाइडर बनाया गया है उसके अंदर ही ठेला लगाते हैं, फिर भी हमें उजाड़ा जा रहा है। नगरपालिका की भूमि और दुकानदार रेड़ी वालों से किराया ले रहे हैं, जबकि किराया नगरपालिका को लेना चाहिए। रेड़ी चालकों ने बताया कि हम किराया नगरपालिका को देने के लिए तैयार हैं, जबकि ये बाजार सब्जी वालों का है और सब्जी विक्रेताओं को ही परेशान किया जा रहा है। अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इधर विवाद होने पर मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। बाद में पुलिस ने समझाइश कर मामले को शांत करवाया। और इसमें साहब कुछ अवैध काम भी होते हैं जो ये भगवान के लिए, हिंदुओं के लिए भगवान है ना, उनका मंदिर माना जाता है, इसी में अवैध काम होते हैं। ये कह रहे हैं कि साहब बिल्कुल हमारे पास किराए की रसीदें हैं, कैस्टिंग साहब की हमारा एक दावा भी चल रहा है, अगर होगा तो विधिवत कार्रवाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैटर तो नगरपालिका का है तो फिर साहब हमारे को रोड पे से ये बाहर करके फिर उजाड़ा क्यों जाता है? हमारे को बोलते हो कि ये माल है, ये खाली कर दो, गाड़ी दे दो, कल हम क्या लगाएंगे? हमारे पास किराए का लेनी है, नगरपालिका ले अपनी जमीन, गरीबों का घर मत उजाड़े, वरना। We'll be right back.